Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today I am starting with your class 3 grammar portion and the first topic that I have chosen is the sentences. Now what is a sentence? A sentence is a group of words which makes complete sense. Complete sense ka matlab hota hai, aapko uska matlab samajh mein aana chahiye. Agar kuch words likhe hain, group mein likhe hain, और आपको उसका कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है तभी हम बोलेंगे कि वो एक सेंटेंस बन चुका है. नेवर फॉरगेट दैट. अब सेंटेंस में कुछ चीज़ें ध्यान रखने की होती है. नंबर वन इज़ अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जब भी आप किसी नई लाइन से या कोई नया सेंटेंस आप लिखते हैं हमेशा उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में लिखना कंपल्सरी होता है. नेक्स्ट पॉइंट सेज The words in a sentence should be placed in correct order. Correct order का मतलब हम अगर बोलते हैं she is Sita, ये तो हो गया sentence. अब अगर मैं इसको लिख लूँ Sita is she, तो words को अगर मैंने थोड़ा सा भी change करा, अलग अलग position पे लिखा, तो हम इसका मतलब तो नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन हाँ she is Sita, इसका हमें मीनिंग समझ में आ रहा है. दैट मीन्स वर्ड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना भी एक सेंटेंस का पार्ट हो जाता है. देन थर्ड पॉइंट सेज अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. अब या तो आप सेंटेंस के लास्ट में एक फुल स्टॉप लगा देंगे और अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे. इन तीनों में से कुछ एक ना एक लगाना तो इज कंपल्सरी. नाउ लेट अस डू एन एक्सरसाइज. पुट अ क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट सेंटेंस एंड अ टिक फॉर द करेक्ट सेंटेंसेस. इन द फॉरेस्ट सॉ आई अ ह्यूज लायन. ये कोई सेंटेंस नहीं बना रहा है तो इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ. माय लिटिल सिस्टर इज हॉपिंग लाइक अ फ्रॉग. मेरी छोटी बहन है वो मेंढक की तरह कूद रही है. परफेक्ट. मुझे पूरा इसका मतलब समझ में आ रहा है. सो यस इट इज़ अ सेंटेंस. नंबर 3 व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर. तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है. मुझे इसका भी मीनिंग समझ में आ रहा है. सो यस इट इज़ आल्सो अ सेंटेंस. नेक्स्ट इज नंबर 4 एट द बेकरी. एट द बेकरी से मुझे कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है. सो नो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर. डॉग ने एक स्ट्रेंजर एक अननोन इंसान के ऊपर बाक किया भौंका, तो ये भी एक सेंटेंस होता है. सो यस इट इज़ अ सेंटेंस. नेक्स्ट इज नंबर 6 वी शैल गो टू वॉच द मूवी. हम लोग जाएंगे मूवी देखने. परफेक्ट इट इज़ अ सेंटेंस. माय पेट डॉग. ये मुझे कोई भी सेंटेंस या उसका मीनिंग नहीं दे रहा है. आई वेंट टू द बीच विद माय फ्रेंड्स. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर गया. परफेक्ट इट इज़ अ सेंटेंस. व्हाट अ शेम एंड अ क्वेश्चन मार्क सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क कैपिटल लेटर मीनिंग है. दैट मीन्स इट इज़ अ सेंटेंस. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना. इट इज़ ऑल्सो अ सेंटेंस. नाउ कम्स काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं. अ सेंटेंस कैन बी अ स्टेटमेंट. आप एक स्टेटमेंट दे सकते हो, किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी को ऑर्डर दे सकते हो या किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो. एंड द लास्ट इज़ एक्सक्लेमेशन. याद करो लास्ट मैंने टॉपिक पे आपको बताया था ये रहा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पंक्चुएट देम करेक्टली. राइट एस फॉर स्टेटमेंट, क्यू फॉर क्वेश्चन, सी फॉर कमांड, R for request and E for exclamatory sentence. देख लेते हैं इसका first वाला. First question is, the box wanted the bunch of grapes. एक fox है जिसको bunch of grapes चाहिए. अब identify करो first letter capital नहीं है तो मैंने first letter को capital किया. Remaining part of the sentence as it is आ जाएगा और last में एक full stop यहाँ पर लगेगा. एंड येस इट इज़ अ स्टेटमेंट. ना तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कमांड है, ना रिक्वेस्ट है और ना ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. नाउ सी सेकेंड में है आई लिव इन इंडिया.
फर्स्ट लेटर को कैपिटल करो. इंडिया इज द नेम ऑफ अ नाउन एंड नेम्स ऑफ नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं, इसलिए इंडिया को भी कैपिटल करेंगे. इट इज़ ऑल्सो अ स्टेटमेंट, तो लास्ट में फुल स्टॉप है और यहाँ पे एस लगा दिया. क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज लेंड मी योर इरेजर. प्लीज वर्ड आते ही रिक्वेस्ट बन जाता है. अगेन फर्स्ट लेटर कैपिटल करो पी, लास्ट में एक फुल स्टॉप लगाओ एंड इट इज़ अ रिक्वेस्ट, इसलिए यहाँ पर भी आर आ जाएगा. नेक्स्ट इज नंबर 4, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर. अब हु आते ही ना ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन आएगा, ये तो फॉर श्योर है. अब सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल करना है, हु, डब्ल्यू एच ओ हु. फिर पूरा सेंटेंस एज इट इज़ आप यहाँ पर लिखेंगे, लास्ट में लगा देंगे एक क्वेश्चन मार्क क्योंकि एक क्वेश्चन है और आपने यहाँ टॉफ़ी के अंदर तो क्यू लिख ही दिया. वॉट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. नाउ दिस वॉट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, आप किसी पेंटिंग की तारीफ कर रहे हो एंड जब ऐसे हम किसी की तारीफ करते ना वॉट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, तो ये आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो कि बताओ कितनी सुंदर पेंटिंग है, हम उसे बता रहे हैं कि अरे वाह कितनी अच्छी पेंटिंग है. तो इस केस में आपका पेंटिंग के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, इस केस में लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क. और एक्सक्लेमेशन मार्क लगकर ये एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस बन जाएगा, शी इज़ वेयरिंग अ लवली ड्रेस. अब ये एक स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई रिक्वेस्ट नहीं करा. स्टार्टिंग का शी कैपिटल हो जाएगा, इज़ वेयरिंग अ लवली ड्रेस एज इट इज़ आएगा और लास्ट में एक फुल स्टॉप लग जाएगा. When is your final exam? आप अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप किसी से पूछ रहे हो कि तुम्हारे एग्ज़ाम कब से हैं, और अगर आपने ऐसा पूछा तो सामने से आपको कुछ रिप्लाई भी आएगा. अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमको रिप्लाई भी करते हैं. तो when is your final exam? एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर आ जाएगा एक क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज गो अवे, यहाँ से चले जाओ. तो गो अवे होने में तो ये भी एक सेंटेंस है, मेरे को पूरा मतलब समझ में आ रहा है कि किसी को जाने के लिए बोल रहे हो, लेकिन इट इज़ योर कमांड, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो कि यहाँ से जाओ. प्लीज़ गिव मी सम शुगर. प्लीज़ अगेन फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, लेस एज इट इज़ आप यहाँ लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा और क्योंकि प्लीज़ वर्ड आ गया मुझे ये पता लग गया कि ये मेरी रिक्वेस्ट है. यश इज़ अ वेल बिहेव्ड बॉय. यश पहला लेटर है इस वजह से भी कैपिटल में होगा और ये एक नेम ऑफ अ पर्सन है इसलिए भी इसको कैपिटल में लिखना ज़रूरी है. और उसके बाद यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई एक्सक्लेमेशन नहीं है, तो वेल बिहेव्ड बॉय के बाद लास्ट में आप एक फुल स्टॉप लगाएंगे एंड इट इज़ अ स्टेटमेंट. नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चन. अब यहाँ पर सारे स्टेटमेंट्स हैं, ये तो उन्होंने हमें पहले ही बता दिया और हमें इनको क्वेश्चन में चेंज करना है. ही इज़ रीडिंग अ बुक, इसको पहले लगा लो. इज़ ही रीडिंग अ बुक, क्या वो एक बुक को रीड कर रहा है. वर्ड्स वही हैं, सिर्फ उसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करेंगे आप तो ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा. रोहन इज़ अनवेल, इज़ रोहन अनवेल, क्या रोहन अनवेल है. तो अगेन मैंने सिर्फ इसको स्टार्टिंग में लिखा और ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट इज़ द टेलर बर्ड मेड अ नेस्ट इन द बंगलो. वेयर डिड द टेलर बर्ड मेड इट्स नेस्ट. वेयर डिड द टेलर बर्ड, टी ए आई एल ओ आर, ये तो आप क्वेश्चन से लिख सकते हैं. टेलर बर्ड मेड अ नेस्ट, टेलर बर्ड ने अपना नेस्ट कहाँ पे बनाया, तो आंसर में सामने वाला बता देगा कि उसने अपना नेस्ट एक बालकनी में बना दिया. दैट डॉल इज़ वेरी प्रिटी, इज़ दैट डॉल प्रिटी, क्या वो डॉल प्रिटी है. इज़ दैट डॉल प्रिटी, तो यस हम क्या आंसर देंगे, दैट इज डॉल इज़ वेरी प्रिटी, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना. नेक्स्ट इज नंबर 5,
The fifth day of the week is Thursday. Question बन जाएगा, what is the fifth day of the week? Fifth day of the week क्या होता है? तो fifth day of the week एक Thursday होता है. यह आपका answer बनेगा इससे. तो पूरा question लिख के last में question mark लगाना नहीं भूलना है. Can you change the following into orders? अब आपको order में change करना है. Can you get me a cup of tea? Can you हटा दो, directly लिखो. Get me a cup of tea. ये आपका question बन जाएगा. Get me a cup of tea. Order कर रहे हो आप, command कर रहे हो आप किसी को कि मेरे लिए coffee लेकर आओ. Did you eat your breakfast? Did you हटा दो. Eat your breakfast. खाना ख़त्म करो. Eat your breakfast. और last में अब यहाँ पर question mark नहीं आएगा, full stop ही आएगा. Will you talk softly? Will you हटा दो. यहाँ पर लगेगा talk softly, धीरे बात करो. और यहाँ पर भी फिर हमारा full stop लग जाएगा. Next is number 4. Did you finish your homework? इसको भी एक command बनाने के लिए did you हटा दो. Finish your homework. अपना homework finish करो जल्दी से. और last में यहाँ पर भी question mark नहीं आएगा, question mark की जगह full stop आ जाएगा. Will you be quiet? Be quiet. Will you इस केस में से भी हटा दो एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप. Will you shut the door? Shut the door. Will you वर्ड यहाँ से भी हटा देंगे और ये भी आपका क्वेश्चन से एक कमांड बन जाएगा. Now a sentence has two parts. One is a naming part जिसके बारे में बात होती है and second is an action part. उसके बारे में हम क्या बात करते हैं. तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज़ योर सब्जेक्ट, और उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं या फिर द रिमेनिंग पार्ट इज़ योर प्रेडिकेट. अब जैसे माय ब्रदर गॉट अ शिप शू बाइट. अब यहाँ पर हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, माय ब्रदर के बारे में. तो माय ब्रदर इज़ योर सब्जेक्ट एंड गॉट अ शू बाइट विल बी योर प्रेडिकेट. नेक्स्ट नंबर 2, द लायन रोर्स लाउडली. यहाँ पे बात हो रही है द लायन के बारे में और क्या बात हो रही है, रोर्स लाउडली. तो द लायन इज योर सब्जेक्ट एंड रोर्स लाउडली इज योर प्रेडिकेट. रीटा रमेश एंड टीना, तीन लोगों के बारे में बात हो रही है. तो दीज थ्री पीपल विल बी योर सब्जेक्ट एंड वेंट फॉर अ पिकनिक इज योर प्रेडिकेट. फिश लिव्स इन वाटर, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बनेगा फिश एंड लिव्स इन वाटर विल बी योर प्रेडिकेट. द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, किसके बारे में बात हो रही है, द कैमल क्या बात हो रही है, इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. अ फायरमैन वर्क्स इन अ फायर स्टेशन, किसके बारे में बात हो रही है, फायरमैन क्या बात हो रही है, works in a fire station, that is your predicate. Next is my father bought a new mobile for himself, my father will be your subject and iske bare mein kya baat ho rahi hai, bought a new mobile for himself, this is your predicate. Cock crows in the morning, baat ho rahi hai cock ke bare mein, so yes it is your subject and crows in the morning is your predicate. Teacher is drawing a picture on the blackboard, teacher is your subject, is drawing a picture on the blackboard is your predicate. My mother is a banker, we are talking about my mother, ye ho jayega aapka subject, is a banker is your predicate. New Delhi is the capital of India, New Delhi ke bare mein baat ho rahi hai, so this is your subject, is the capital of India will be your predicate. The necklace is made of gold, baat ho rahi hai necklace ki, to the necklace will be your subject, is made of gold is your predicate. Next question is add suitable subjects to the predicate given. Ab aapko kya baat ho rahi hai, wo given hai, aapko isme subject add kar dena hai. Dash is a good boy, Ram is a good boy. Number 2,
Dash is our class teacher. Ma'am Roshi is our class teacher. Number 3. Dash catches the thieves. The police catches the thieves. Police क्योंकि catches thieves को पकड़ते हैं. Thieves यानी के चोर. Next, number 4. Dash looks after the plants in the garden. A gardener. Gardener वो इंसान होता है जो कि plants को देख रेख करता है, उसका ध्यान रखता है. Number 5. Dash is a super fast train. Intercity Express is a super fast train. कुछ भी नाम लिख सकते हो, ये इसका perfect answer नहीं है. Make sentences जैसे अपन करते हैं ना, ये उस तरीके से है. जो आपको अच्छा लगे आप वो यहाँ पर सब्जेक्ट अपने हिसाब से लिख सकते हो. Dash is my favorite sportsman. That is your, कोई भी नाम आप स्पोर्ट्समैन का यहाँ पर लिख सकते हो. तो मैं लिख देती हूँ सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर इज माय फेवरेट स्पोर्ट्समैन. आपका जो भी स्पोर्ट्समैन आपका फेवरेट हो उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं. नेक्स्ट नंबर 7. डैश इज माय फेवरेट कार्टून. शिनचैन इज माय फेवरेट कार्टून. नंबर 8. Dash rises in the east. The sun rises in the east. Next, now add suitable predicates to the given subject. Mowgli lived in the jungle. Mowgli jungle mein rehta tha. Lived in the jungle. Next is I. I ke baad aapko apni marzi se banana tha. To I am eating food. मैं अभी खाना खा रही हूँ. I am eating food. Next is the earth has life. Earth पे लोग रहते हैं. It has life. The sun rises in the east. ऊपर वाला ही हमने यहाँ पर कॉपी कर देते हैं. The sun rises in the east. My parents are out of town. वो जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ से बाहर गए हुए हैं. तो are out of town. Next is जवाहरलाल नेहरू is a respected man. इनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत होती है. Is a respected man. Next is The moon is very far. Moon बहुत ज़्यादा दूर है. The roses are red. Roses red color के होते हैं. The roses are red. Now again you have to identify the subject and the predicate. I went to the zoo with my parents. I is your subject. Went to the zoo with my parents is your predicate. The dog is barking at the milkman. The dog is your subject. Is barking at the milkman aapka predicate ho jayega. There are many ducks in the pond. So there are many ducks will be your subject. In the pond is your predicate. The king lives in the palace. The king is your subject. Lives in the palace will be your predicate. The boy fell down. The boy is your subject. Fell down is the predicate. Cats like to drink milk. Cats is your subject. Like to drink milk is your predicate. Next is number 7. The postman delivers our letters. The postman is your subject. Delivers our letters is your predicate. The doctor gave me a prescription. The doctor is your subject. Gave me a prescription will be your predicate. I love to play football. I is your subject. Love to play football will be your predicate. The dog is barking at the strangers.
The dog is your subject. Is barking at the strangers will be your predicate. Write the suitable subject and complete the sentences. अब इस बार हमें subject अपने इच्छा से लिखना है. Dash are flying in the sky. Birds are flying in the sky. Dash gives us eggs. अब यहाँ पर आप chicken लिख लो. चलो chicken gives us, या फिर hens करो, छोटा word है. Hens gives us eggs. Dash is made of diamond. My ring is made of diamond. Now draw a picture in each of the box to describe the above sentences. अब birds are flying in the sky के लिए आप birds बना लो, बादल बना लो, sky बन जाएगा. Hens gives us eggs. Hens बनाओ यहाँ पे, मेरी drawing अच्छी नहीं है, और eggs बना लो. My ring is made of diamond. आप एक ring बना लो. And yes, it is made up of diamond. So this was your the sentences, subject and predicate. That's all for today. Thank you and have a nice day. If you're having any doubt, any problem, you can write me in the comment section below. Thank you so much.